हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करने वाला हूँ। किसकी? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इसमें अपन जो बात करेंगे वो टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और एक वन ऑफ द नेमिंग टेस्ट है फ्लेम टेस्ट। क्या? फ्लेम टेस्ट, उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ मैं। यदि जेई मेन या नीट के हिस्ट्री की मैं बात करूं तो फ्लेम टेस्ट से डायरेक्ट सवाल आता है, और अगले 5 मिनट आपने सुन लिया तो यूं मान लीजिए कि आपका एक सवाल जो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। कौन से मेटल्स कौन सा कलर देते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। एंड दिस एंटायर वीडियो प्रेजेंटेड बाय मी अनिरुद्ध वालिया, एक्सक्लूसिव ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भैया, सबसे पहले तो जानने की बात यह है कि फ्लेम्स कलर देंगी, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिस टेस्ट इज मेनली फॉर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स। तो इसी पॉइंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। दिस टेस्ट इज, साथ-साथ लिखते चले जाना आप मेरे, कि दिस टेस्ट इज मेनली फॉर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स। होता क्या है कि द गिवन सॉल्ट, जो भी अपने पास गिवन सॉल्ट है, उसको अपन कन्वर्ट करते हैं वोलेटाइल मेटल क्लोराइड में, फिर उसको बंसन फ्लेम में हीट करवा देते हैं और हमें एक कैरेक्टरिस्टिक कलर मिल जाता है। कौन से मेटल के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा कलर मिलता है वो अभी मैं अगले आपको 2 मिनट में बताने वाला हूं। क्या है कि अगले पॉइंट लिखेंगे, द गिवन सॉल्ट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल मेटल क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड्स मतलब मेटल के जो क्लोराइड्स हैं वो वोलेटाइल होते हैं। हीट करने पर क्लोरीन बाहर, मेटल बच जाएगा, मेटल क्लोराइड, एंड देन हीटेड इन बंसन बर्नर, या बंसन फ्लेम बोल लो, बंसन बर्नर, कैरेक्टरिस्टिक कलर्स आर ऑब्टेन। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग कलर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर्स आर ऑब्टेन, ठीक है? अब भैया होता क्या है इसके रिगार्डिंग बात कर लेता हूं। सबसे पहले जितना लिखवाया फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो होता क्या है, मेटल जो है, मेटल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डीएक्साइट करते हैं, जिसके कारण एक फोटोन एमिट होता है और वो कलर हमें ऑब्टेन होता है फिल्म में, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सा मेटल कौन सा कलर देता है। तो फटाफट लिख लीजिए, लिथियम और जो स्ट्रॉन्शियम है दोनों के दोनों कलर जो देंगे वो क्रिम्सन रेड होता है। कौन सा? क्रिम्सन रेड कलर, ठीक है? सोडियम जो कलर देता है दैट इज नथिंग बट गोल्डन येलो, ठीक है? पोटाशियम जो कलर देगा दैट वुड बी द वॉयलेट कलर। कैल्शियम जो देता है, कैल्शियम ब्रिक रेड कलर देता है। प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द लिथियम स्ट्रॉन्शियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम गिव्स ब्रिक रेड कलर टू द फ्लेम, व्हाइल द लिथियम एंड स्ट्रॉन्शियम गिव्स क्रिम्सन रेड कलर। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज बेरियम। बेरियम गिव्स एप्पल ग्रीन कलर, एप्पल ग्रीन कलर, ठीक है? सर आपने बोला था कि जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स देंगे। सर बेरिलियम और मैग्नीशियम को तो भूल ही गए। तो प्यारे बच्चों याद रखना, बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। प्लीज नोट डाउन करके लिख लो, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट। अब रीजन सोचो, सर फ्लेम टेस्ट देने के लिए भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड ही एक्साइट करना चाहिए ताकि फ्लेम्स में कलर ऑब्टेन हो। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें कार्यक्रम कुछ इस तरह से होता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उतनी एनर्जी सिंपली बंसन फ्लेम में हीट करने से नहीं मिल पाती, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते।
एक दो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिए जो भैया टेस्ट दे देते हैं, जैसे लेट टू प्लस जो कलर देगा फ्लेम टेस्ट के थ्रू वो होगा ब्लू कलर का, और जो कॉपर टू प्लस का जो कलर होगा ड्यू टू द फ्लेम टेस्ट दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट वो भी ब्लू फ्लेम होगी, क्या होगी ब्लू फ्लेम विद ग्रीन सेंटर। ठीक है, तो ये सारे जो कलर्स हैं ये अपने को याद रखने हैं, और इतना सब अपन ने याद कर लिया तो अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से चल जाएगा। तो आई विश फ्लेम टेस्ट के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने बता दी है। मेटल क्लोराइड लेते हैं, वोलेटाइल होता है इसीलिए क्लोराइड यूज करते हैं, और हीट करने पर वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्साइड डीऑक्साइड होते हैं, कलर्स ऑब्टेंड होता है, ये सारे कलर रहे लिथियम स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, सोडियम येल्लो, पोटाशियम वॉयलेट, कैल्शियम ब्रिक रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, और बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, लेड टू प्लस ब्लू देगा, कॉपर टू प्लस भी ब्लू देगा। तो ये सारी बातें रही फ्लेम टेस्ट की रिगार्डिंग, अगली वीडियो में बात करेंगे और बढ़िया बढ़िया टेस्ट की। और ज्यादा वीडियोस देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लेना और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।